रे, थैंक यू सो मच फॉर 499 रे। इस सिंह कुत्ता बहुत समझदार है। कुत्ता अगर इंसान को भगवान मानता है तो इसको इंसान से खाना और शेल्टर मिलता है। इंसान को खुदा से क्या मिलता है? कुत्ता ये नहीं सोचता आपका कि आप किस रंग के हो, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने साफ हो, कितने क्या हो, वो नहीं सुनता कुछ भी। वो आपके पास आएगा, आपको प्यार देगा अगर आप उसको प्यार दोगे। अगर आप मार पीट करके कुत्ते को रखोगे, कुत्ते को भी अगर आप मार मार के पालोगे ना, तो वो कुत्ता भी जंगली बन जाएगा, वो कुत्ता भी अग्रेसिव होगा। जितने आपको अग्रेसिव कुत्ते दिखते हैं ना, उनको यही होता है, मारा पीटा जाता है, घर का माहौल ऐसा होता है तो कुत्ते ऐसे निकलते हैं। अब आप सोचो कि बच्चों पे इस चीज में क्या असर पड़ता है। औरत की पिटाई तो आप एक तरफ है, औरत की पिटाई एक तरफ, मगर जब जो बच्चे हैं वहां पर, वो अपनी माँ को पिटते हुए देख रहे हैं, हर रोज माँ पिट रही है उनकी, उनपे क्या असर होगा? चीखम चिल्लाना, झगड़े, चेक 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 चेक, क्या लगता है आपको कि वो बहुत हेल्दी है एक हाउस होल्ड के लिए? उसमें बड़े अच्छे बच्चे निकलेंगे आपके, बड़े, वो क्या कहते हैं, जब ही तो इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, क्योंकि वो यही देख देख कर। और फिर अगर आपके घर में लड़के हैं और वो देख रहे हैं कि उनका बाप पीट रहा है अपनी उनकी माँ को, तो उन्होंने भी बड़े होके पीट लाए। तो ये जेनरेशन से ये चीजें चलती आ रही है पीटने की। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में ही लोग लड़कियां पिट रही हैं, नहीं, यहाँ भी अब्यूज के केसेस होते हैं, यहाँ भी लड़कियां पिटती हैं, मगर किसी की भी रिलीजियस बुक जो है ना, वो उसको जस्टिफाई नहीं करती है सिवाय इस्लाम के। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें एक्चुअली उनकी बुक में अगर जाओ तो औरत की पिटाई को जस्टिफाई किया हुआ है। अगर आप क्रिश्चियंस को उठा लो, हिंदुओं को उठा लो, किसी भी और रिलीजन के लोगों को उठा लो और उनसे पूछो कि औरत को मारना बुरी चीज है क्या, तो वो आपसे कहेंगे हाँ जी, औरत को मारना बुरी चीज है। वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं, ऐसे मारो तो वैसे मारो, तो यूं करना है तो यूं करना है, वो आपको जलेबियां नहीं बना के दिखाएंगे। मगर ये वाहिद लोग हैं ऐसे, या तो या के कहते हैं कि लिखा ही नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, और जिन्होंने पढ़ा है उनको उनके उलमा ने यही आर्ग्यूमेंट दे दी है कि भाई मसवाक से मारो, इधर नहीं मारो, उधर नहीं मारो, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स मैंने सुन लिए, ठीक है ना। कल वो आए थे, वो कह रहे थे कि ओ ये जो है एक मारना नहीं है, ये वो है क्या होता है वो वर्ड, इट्स जस्ट प्रिटेंडिंग, या ऐसी लिखा है, क्या है यार उसको क्या कहते हैं, यानी एक्चुअल मारना नहीं है आपने, बस ऐसी लिखा हुआ है। कल जो आए थे वो साहब, ओवेस साहब जो कह रहे थे, वो आर्ग्यूमेंट देते हैं ये लोग, यानी कहाँ कहाँ घुमाते हो सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा है, अब मेरे पता नहीं दिमाग में इतनी ताकत है कि नहीं जी, दो से तो हो गई, अभी तक किसी ने हाँ इसको जी, जस्टिफाई नहीं किया। जी क्या हाल है आपका? पहली बात तो ये कि जो भाई आए थे जकी और वो क्या नाम है इसका पठान, आपने बहुत बदतमीजी की है उनके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। पहली बात तो ये, अच्छा, आप एक चैनल चला रही हैं तो तमीज से तो बात करें ना लोगों से। मैं वैसे ही बात क्या करती हूँ मैं, जैसे लोग मुझसे बात कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा नहीं मेरा नहीं वो दिमाग तमीज आज से है कर तो रहे मैंने हैं, उनको नीचे बिठा दिया। भाई जो बंदा यहाँ आके नहीं मुझ पे चढ़ाई करेगा उससे तो मैं नहीं उसको कहा। वैसी तमीज से, आप चले ठीक ठीक है बात कर ठीक। रही हूँ ना मैं? हाँ जी, जो ये मेरा ही चैनल है, लोगों को पता है मैं कैसे बात करती हूँ यहाँ पे। मैं अगर हाँ वो तो अभी हमें पता कितने है। लोगों से बात कर ली, मैंने दो लोगों से बात कर ली ना, तो मेरा भी दिमाग है, मेरा भी एक तहमुल है, मेरा भी पेशेंस है। मुझे यहाँ अगर कोई जस्टिफाई कर रहा है ना कि औरत को मारो तो मेरा खून खौलता है, मैं क्या करूँ, औरत हूँ। अब आपके जो पहले भाई आए थे वो तो कह रहे थे औरत के अंदर, औरत तो जो है उसको पोजेसिवनेस होती नहीं है, वो हमारी फीलिंग्स बता रहे थे, तो मेरे अंदर तो बड़ी फीलिंग्स हैं, बड़ी जल्दी जागती हैं। जी बताइए आप क्या कहना वो चाहेंगे। किसी और सेंस में पॉजिटिवनेस की बात कर रहा था, वो किसी और सेंस में बात कर रहा था, वो उस पॉजिटिवनेस चलो की बात नहीं कर रहा था कि जो छोटी छोटी पॉजिटिवनेस होती है छोटी चीजों के बारे में, जी उन चीजों की बात नहीं कर रहा था। उस तरह की पॉजिटिवनेस तो किसी माल के भाई बारे साहब, में, हमें दौलत पता के है बारे कौन में, सी इन चीजों के बारे में सब पॉजेसिवनेस की किया है। बात हो रही है, जब एक दूसरे के पार्टनर पे पॉजेसिव होते हैं ना, मुझे पता है किस पॉजेसिवनेस की बात हो रही थी। थैंक यू शबीर जी। मुझे आप ही बताइए कितने कितनी एज के हैं आप? उसको छोड़ने जितने भी एज यानी में, आपकी एज क्या, तो नहीं क्यों नहीं छोड़ो, नहीं ना बताइए ना आपकी एज क्या है? 21 आप अभी 21 साल के हो, मैं आपसे 18 साल बड़ी हूँ, 18 साल का मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। आप यहाँ क्या मजे लेने आते हो? मुझे लगता है आप मुझसे सिर्फ ऐसे मजे लेने आते हो यहाँ पे। यार क्या मजे लेने हैं। लेकिन आप बात किस मौजू पे करनी है आपने आज, बात ये बताएं।
नहीं नहीं आप मुझे बताइए, आप यहाँ मजे लेने आते हैं या आप मुझको यहाँ, यानी आप मुझको यहाँ क्या करवाने आए हैं? आप यहाँ पे मुझे इस्लाम कबूल करवाने आए हैं, मेरा माइंड चेंज करने आए हैं, बताने आए हैं क्या, क्या बताने आए हैं यहाँ पर आप मुझे? जो आप ये मिस तो बोलिएगा, इन्फॉर्मेशन मिस फैला रही हैं हम उसको काउंटर करने आए हैं बस। इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैला रही मैं? आपके खुद ही भाई साहब कह के गए कि भाई इस्लाम में कहते हैं औरत को मारो, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं कह रही हूँ तो आप कह रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन है। आपके खुद भाई आके यहाँ बैठे, कल आपके भाई हिमाद हामिद साहब ने कह दिया कि लिखा हुआ है कुरान में इस्लाम के मारो। मैं हाँ क्या तो मिस लिखा तो है इन्फॉर्मेशन ना, फैला दी? वो तो तो मैं मैंने भी कह क्या रहा हूँ लिखा फैला हुआ है। दी? तो मैंने कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी? मैं भी तो यही कह रही हूँ लिखा हुआ है, मगर मैं ये कह रही हूँ ये गलत है। आप कह रहे हैं ठीक है, नहीं नहीं गलत नहीं है वो, आप उसको नहीं ना गलत एग्जैजरेट करिए इस बात को। नहीं, एग्जैजुरेट क्या होता है? मारना मारना है, उसमें हम सॉरी उसमें कुछ से क्या नहीं नहीं एग्जैजुरेट है? उसमें इतना लिखा है, मारना इतना है कि निशान ना पड़े, बस ये मतलब है इसका। मारना क्यों है? मारना आप निशान छोड़ो या नहीं, मारना गलत बात है। हम तो ये मानते हैं ना कि किसी भी जो चीज सांस ले रही है जिंदा चीज को मारना बुरी बात है। वही मैं अभी आपसे ही पूछती हूँ, यहाँ तो आप कुत्ते को भी नहीं मार सकते हो, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। औरत कुत्ते से बदतर है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखें उस जमाने तो में ऐसी बात नहीं, और तो क्या कर मार सकते क्यों थे रहे हो उस, उसको यहाँ? अच्छा एक मुल्क अच्छा में उस काफिरों जमाने में के और मुल्क कर क्या में, सकते थे ये बताएं। सुनिए, काफिरों के मुल्क में कुत्ते को मारना भी अलाउड नहीं है, और एक इस्लामिक मुमालिक में मुसलमान कहते हैं कि औरत को मारो अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है। ये कह रहे हैं आप मुझसे? तो नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, क्या कह रहे हैं आप फिर? छोड़े इस बात को, चले आपने अगर इस नहीं समझना नहीं तो आप ठीक है मैं मेरी चला जवाब जाता हूँ। दीजिए ना, आगे नहीं बढ़ना। आप यहाँ बताइए, काफिरों के मुल्क में एक कुत्ते की लाइफ को भी वो अप्रिशिएट करते हैं, और आप यहाँ कह रहे हैं कि औरत को मारो सिर्फ निशान आना चाहिए, करेक्ट कि नहीं? यही आपने बात कही ना जी अभी? जी यही कह रहा हूँ यही मैं। कह रहे हैं। तो बेहतर कौन हुआ, काफिर या आप? नहीं नहीं, वो कोई रोल मॉडल तो नहीं है ना, वो तो कोई रोल रोल मॉडल नहीं मॉडल हमारे की लिए। बात नहीं हो रही, एक इंसानियत के नाते इंसान बन के सोचो। एक सेकंड के लिए इस्लाम को हटा दो आप, ठीक है, इस्लाम को एक सेकंड के लिए सिर्फ हटा दो, और एक इंसान बन के सोचो कि एक मुल्क जहाँ काफिर रहते हैं, जो आप लोगों की लिहाज से बहुत ही खराब है, जहन्नुम में जाएंगे, मगर उनका यहाँ पे कुत्ता भी सड़क पे हिट होता है या मूस या कोई भी ऐसा जानवर होता है, तो वो फौरन आते हैं और वो फौरन उठा के उसको लेके जाते हैं। अगर वो मर जाता है तो उठा के लेके जाते हैं, या अगर जख्मी होता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं फौरन। और आपका मुल्क जो इतना अच्छा इस्लामी ममालिक, आप सब लोग जन्नत में जाने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि एक औरत को भी मार लो। तो इंसानियत के नाते आप मुझे बताइए कौन सही हुआ, कौन जिंदगी या लाइफ को अप्रिशिएट कर रहा है? देखें वो एक सिचुएशन है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप इनकरेज मुझे नहीं बताएं, करा उसको मारने सिचुएशन को। की बात नहीं है, आप मुझे बताएं कौन बेहतर है इसमें इंसानियत के नाते, वेस्ट या आपका इस्लामिक ममालिक? हम बेहतर है और कौन बेहतर है? आप देखिए बात बेहतर ये है है, आप बेहतर है, जी, किसे आप बेहतर है? आप एक औरत पे हाथ उठा रहे हैं, कुत्ते को तो छोड़ ही दो ना। जब आप किसी की लाइफ खुदा ने दी है ना जिंदगी, आप उस खुदा की जिंदगी कदर नहीं करते हो, ये जिंदगी कदर करते हैं। आपको पता है जिंदगी होती क्या है? एक ही दफा मिलती है, वो उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी वैल्यू है यहाँ पर। आप इंसान इंसान की वैल्यू नहीं कर रहा है यहाँ पर, जानवर की भी वैल्यू हो रही है, खरगोश की भी वैल्यू हो रही है, कोई परिंदा हो ना उसकी भी वैल्यू है यहाँ पर। आप मुझे बताएं आप कैसे सही हो, आप कैसे अच्छे हो? जानवरों की वैल्यू यहाँ पर भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें वो वैल्यू एक औरत की तो वैल्यू कर लो पहले, जानवर छोड़ो, पहले नहीं है, औरत मारने पे आओ। उसकी भी वैल्यू है। बात ये है कि वो सिर्फ एक सर्टन सिचुएशन की बात है, वो ये नहीं कि इनकरेज नहीं करा उसमें मरने का, ये मैं कह रहा हूँ। आप इनकरेज बिल्कुल डिसाइड भी नहीं करा, करोगे कौन डिस्करेज ही सी करता है। सर्टन सिचुएशन्स हैं, शबीर जी आप डिसाइड करोगे पाकिस्तान में या मुस्लिम ममालिक में जितनी औरतें पिट रही हैं वो आप डिसाइड कर रहे हो, और वो मर्दों को आप बताओगे भैया नहीं इस तरह, ये सिचुएशन ठीक है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है, वो आप कल्चरल है, वो बताओगे? कल्चरल कल्चरल मसला है, वो कल्चर का मसला है। नहीं है भाई, आपकी किताबों में लिखा है कल्चरल कैसे हो गया, आपकी किताबें जस्टिफाई उनको करती हैं ये उन लोगों को कल्चरल पता ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता। है? आई अग्री विद यू कि ये कल्चरल हो सकता है, ये कल्चर हो सकता है, यहाँ भी औरतें पीटती हैं, गोरे भी पीटते हैं, गोरे भी पीटते हैं औरतों को, मगर बताओ इन लोगों की, इन लोगों की, मैंने भी आपको बोला था कि अगर आप किसी गोरे से क्रिश्चियंस जाके पूछोगे ना कि ये ठीक किया है, नहीं किया है, वो कहते हैं नहीं बहुत गलत किया है। इंडियंस भी कहेंगे नहीं औरत में हाथ उठाना ठीक नहीं है, हिंदू भी यही कहेंगे, मगर आप लोग कहते हो या तो मना कर दोगे, मगर आपकी बुक में लिखा हुआ है, किसी और की बुक में नहीं लिखा औरत को मारो, आपकी बुक जस्टिफाई करती है, और यहाँ जाके आप लोग फंस जाते हो। अब आप क्यों नहीं फंस लिखा हुआ? जाओ, आपने खुद ही औरों तो की बुक्स में भी देखा लिखा हुआ है, यार, चलो बस कर दो अब। ओल्ड टेस्टामेंट्स में लिखा हुआ है।
ओल्ड टेस्टामेंट को कौन मानता है? दिखाओ मुझे कौन मान रहा है ओल्ड टेस्टामेंट को। ओ क्रिश्चियंस ने देखा ये जहालत है, इसको रद्द करो, टाइम के साथ चलना है हमको। इसी वजह से ये मुल्क आगे निकल गए और आप वहां पे बैठे हैं पाकिस्तान में, जहाँ गैस भी नहीं आनी है थोड़े अरसे में। डिफरेंस से देखो, आंखें खोलो, दिमाग खोलो। कहाँ से तुम्हें पाकिस्तान बेहतर लग रहा है जहाँ औरत को मारा जा रहा है? यानी तुम लोग फिर कहते हो आप रूढ़ हो जाती हो। देखो दिमाग है कि नहीं? अभी आप 21 साल के हो यार। देखें मुझे ये तो बात आप, तकलीफ इस वजह से होती है क्योंकि तुम लोगों की शादियां होनी है और तुम लोगों ने यही चीजें अपनी बीवियों के साथ करनी है, और वही नहीं चीजें नहीं उसी माहौल में वो बच्चे पैदा होंगे और ये चीज कंटिन्यू करेगी। ये साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा एंड यू पीपल हैव टू डू इट। आप खुद आज बैठना, अभी इससे आधा आगे मैं बात नहीं करूंगी, आज मैं आपको आपके लिए ये होमवर्क आपको देती हूँ। आप वहां बैठिएगा, जरा इस्लाम थोड़े सेकंड के लिए साइड पे रखिएगा, एक ड्राइंग बनाइए और उसमें एक इंसान बनाओ और एक कुत्ता बनाओ, और एक जगह देखो कि कुत्ता चूटी परिंदा जो है उसकी भी लाइफ की अहमियत है, और एक जगह एक इंसान की भी अहमियत नहीं है, एक औरत की बिल्कुल ही अहमियत नहीं है। और फिर आप बैठ के फिर सोचना और फिर मुझे जवाब देना इसका कि कौन अच्छा मुल्क है। ठीक है, चलें बस आज के लिए इतना ही काफी आपके लिए। थैंक यू सो मच।